खबर बड़ी भ्रमना से साफ बताते चले कि दो बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। यानी कि जिस तरीके से एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं और वहीं पर कई लोग जो है वो उसमें घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट की बात करें तो ये हादसा जो है, सड़क हादसा जो है वो बड़ी भ्रमना में पेश आया है, जहां पर ऑन स्पॉट दो बच्चों की मौत हो चुकी है और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। आपको बताते चले कि ये हादसा जो है वो स्मेलपुर हाइट सेकेंडरी स्कूल के पास ये हादसा पेश आया है, जहां पर वो बच्चे अपनी व्हीकल में सवार थे और साथ ही दूसरी गाड़ी जो है यानी कि आपस में कोलाइड हो जाती है, टक्कर बच जाती है, जिसके चलते बच्चे जो है वो ऑन स्पॉट यानी कि दो बच्चे ऑन स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। एक गंभीर रूप से घायल है और घायल की बात करें जो कि जीएमसी हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है और गंभीर रूप से, काफी गंभीर रूप से वो इस वक्त घायल है। और वहीं पर आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से बच्चों की क्या कुछ पहचान है अभी तक सामने नहीं आ पाई है और साथ ही साथ ये बच्चे जो है यानी कि तीन बच्चे जो इस वक्त बताए जा रहे हैं, आपको बताते चले कि तीन बच्चे जो कि तेली बस्ती के रहने वाले हैं और वहीं पर यह हादसा जो है यानी कि बड़ी भ्रमना में यह हादसा, सड़क हादसा पेश आया। ऐसे कई सारे सड़क हादसे देखने को मिलते हैं जहां पर कई लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर इस हादसे की, सड़क हादसे की बात करें तो ये तीन बच्चे अपनी व्हीकल पे सवार थे और वहीं पर आपस में टक्कर लग जाती है यानी कार के साथ कोलाइड हो जाती है और उसके बाद ऑन स्पॉट दो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। स्मेलपुर हाइट सेकेंडरी स्कूल के पास से सड़क हादसा हो पेश आया है, जहां पर दो बच्चे ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है और एक जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल है। पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो कठुआ में जहाँ पर सड़क हादसा देखने को मिला था, जहाँ पर कई बच्चे जो है वो घायल हो गए थे और जिनकी, आप बताते चले कि दो बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। काफी दुखद रहता है जिस तरीके से ये हादसे, सड़क हादसे पेश आते हैं, जहां पर लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है, बच्चे घायल हो जाते हैं, बच्चों की मौत हो जाती है और वहीं पर ऐसे हादसे पेश आते हैं तो काफी दुखद रहता है। और वहीं पर आपको बताते चले कि यह हादसा यानी कि ये जो तीन बच्चे थे वो तेली बस्ती के रहने वाले ये बच्चे थे और बड़ी भ्रमना में यह सड़क हादसा पेश आया है। ऐसे कई सारे सड़क हादसे पेश आते हैं जहां पर कई लोग जो हैं वो इस सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह सड़क हादसा पेश आया है, जहाँ पर आपस में टक्कर लग जाती है, कोलाइड हो जाता है और उसके बाद बच्चे जो है यानी कि जो तीन बच्चे व्हीकल में सवार थे उन दो तीन में से दो बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक जो है वो जीएमसी हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। जिस तरीके से सड़क हादसे देखने को मिलते हैं तो काफी दुखद रहता है इस प्रकार के सड़क हादसे देखने को जो मिलते हैं। वहीं पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे की बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है, जहाँ पर आए दिन सड़क हादसे के मामले जो है वो सामने आते हैं, जहाँ पर लोग शिकार होते हैं, बच्चे शिकार होते हैं, जहाँ पर बच्चों की मौत हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है ऑन स्पॉट। और वहीं पर जम्मू कश्मीर में इसके आंकड़े जो है यानी कि एक्सीडेंट के आंकड़े, सड़क हादसे के आंकड़े जो है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रही है। फिलहाल इस सड़क हादसे की बात करें तो जाते जाते मैं आपको फिर बताती चलूं कि दो बच्चे यानी कि तीन बच्चे जो व्हीकल पे सवार थे उनकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दो बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखिएगा और एक बच्चा जो कि गंभीर रूप से घायल है उसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।